दोस्तों आज हम बनाएंगे मैगी, जो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊंगी, सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाई है। ये दो पैकेट मैगी लिए, इसको मैंने उबलने रख दिया है, उसमें धनिया पत्ती भी डाल दी है। और इधर मैंने मशरूम, प्याज, लहसुन सभी को जो आटे वाला तवा होता है उस पर हमने भून लिया है, घी में भूना है। आप चाहे तो तेल में फ्राई कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें भून गई हैं, अब इनको हम साइड में कर देंगे। और मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, तो पनीर के टुकड़े कट करके जो बचा हुआ हल्का फुल्का तेल है उसी में हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालने की ज़रूरत है, बहुत ही कम तेल में। आप चाहे तो ना भी डालें तब भी ये मैगी बनके तैयार हो जाती है। और इधर हमारी मैगी उबल गई है, तो इसमें हमने मैगी मसाला डाला है अभी। और पनीर भी हमारा फ्राई हो गया है, और जो सब्ज़ियाँ हमने डाली थी, आप सब्ज़ियाँ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल ज़्यादा सब्जियां नहीं ली हैं, तो सब्जियां फ्राई हो गई हैं और मैगी हमारी पक गई है, तो उसमें हम मिला देते हैं। और मिलाने के बाद थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। और सिर्फ मैंने मैगी मसाला डाला है, बहुत सारे मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं। और 2-3 मिनट हो गए, मैगी पक के तैयार है। और ये टेस्टी सी मैगी आप इंजॉय कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और न्यू फ्रेंड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।